बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से है आज, मेट्रो की गाइडलाइन जारी होगी। केंद्रीय शहरी मंत्री हरदीप पुरी गाइडलाइंस जारी करेंगे। दोपहर 3 बजे विस्तृत एसओपी जारी होगी। मेट्रो सेवाएं शुरू करने को लेकर एसओपी जारी करेंगे। दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से दोबारा शुरू हो रही है। फिलहाल मेट्रो स्टेशन के एंट्री पॉइंट सीमित होंगे। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या अपडेट है? देखिए अभी तक अगर बात तो 5-11 बजे दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक है, जिसमें ये चर्चा किया जाएगा कि आज के जो मेट्रो का परिचालन होगा उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। इसी में बैठक में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी रहेंगे मौजूद, जिसके बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय विस्तृत एसओपी जारी करेगा सबकी सहमति के बाद, यानी कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार तीनों की सहमति के बाद एक विस्तृत गाइडलाइन जारी होगी किस तरीके से आगे मेट्रो का परिचालन होगा। मेट्रो के परिचालन से पहले मीडिया ट्रायल भी कराया जाएगा, यानी कि मीडिया के सामने डेमो भी दिया जाएगा कि किस तरीके से ये परिचालन होगा, कौन कौन से स्टेशन बंद रहेंगे, किस तरीके से रेड जोन में मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे, ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में किस तरीके से मेट्रो का परिचालन होगा, ये तमाम विस्तृत जानकारियां 3 बजे करीब एसओपी जारी होगी उसमें बताया जाएगा। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से है आज, मेट्रो की गाइडलाइन जारी होगी। केंद्रीय शहरी मंत्री हरदीप पुरी गाइडलाइंस जारी करेंगे। दोपहर 3 बजे विस्तृत एसओपी जारी होगी। मेट्रो सेवाएं शुरू करने को लेकर एसओपी जारी करेंगे। दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से दोबारा शुरू हो रही है। फिलहाल मेट्रो स्टेशन के एंट्री पॉइंट सीमित होंगे। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या अपडेट है? देखिए अभी तक अगर बात तो 5-11 बजे दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक है, जिसमें ये चर्चा किया जाएगा कि आज के जो मेट्रो का परिचालन होगा उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। इसी में बैठक में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी रहेंगे मौजूद, जिसके बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय विस्तृत एसओपी जारी करेगा सबकी सहमति के बाद, यानी कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार तीनों की सहमति के बाद एक विस्तृत गाइडलाइन जारी होगी किस तरीके से आगे मेट्रो का परिचालन होगा। मेट्रो के परिचालन से पहले मीडिया ट्रायल भी कराया जाएगा, यानी कि मीडिया के सामने डेमो भी दिया जाएगा कि किस तरीके से ये परिचालन होगा, कौन कौन से स्टेशन बंद रहेंगे, किस तरीके से रेड जोन में मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे, ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में किस तरीके से मेट्रो का परिचालन होगा, ये तमाम विस्तृत जानकारियां 3 बजे करीब एसओपी जारी होगी उसमें बताया जाएगा। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से है आज, मेट्रो की गाइडलाइन जारी होगी। केंद्रीय शहरी मंत्री हरदीप पुरी गाइडलाइंस जारी करेंगे। दोपहर 3 बजे विस्तृत एसओपी जारी होगी। मेट्रो सेवाएं शुरू करने को लेकर एसओपी जारी करेंगे। दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से दोबारा शुरू हो रही है। फिलहाल मेट्रो स्टेशन के एंट्री पॉइंट सीमित होंगे। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या अपडेट है? देखिए अभी तक अगर बात तो 5-11 बजे दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक है, जिसमें ये चर्चा किया जाएगा कि आज के जो मेट्रो का परिचालन होगा उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। इसी में बैठक में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी रहेंगे मौजूद, जिसके बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय विस्तृत एसओपी जारी करेगा सबकी सहमति के बाद, यानी कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार तीनों की सहमति के बाद एक विस्तृत गाइडलाइन जारी होगी किस तरीके से आगे मेट्रो का परिचालन होगा। मेट्रो के परिचालन से पहले मीडिया ट्रायल भी कराया जाएगा, यानी कि मीडिया के सामने डेमो भी दिया जाएगा कि किस तरीके से ये परिचालन होगा, कौन कौन से स्टेशन बंद रहेंगे, किस तरीके से रेड जोन में मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे, ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में किस तरीके से मेट्रो का परिचालन होगा, ये तमाम विस्तृत जानकारियां 3 बजे करीब एसओपी जारी होगी उसमें बताया जाएगा। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।